प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, मैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 1 है, संसाधन एवं विकास, इसका आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को लेकर के प्रस्तुत हूँ। ये आपकी जो क्वेश्चन बैंक है 2022 की जो जारी की गई है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न उत्तर है यहाँ पे। इसमें मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन जो भी इम्पोर्टेंट गाइड है, सभी का यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बता दिया और समझाने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव मतलब कि जिसमें जीव जंतु नहीं रहते। तो मनुष्य क्या है बच्चों? मनुष्य भी एक जीव है। मछली भी एक जीव है। प्राणी मतलब कोई भी प्राणी, जीव जंतु कोई भी, वो सारे भी एक जीव है। चट्टान जीव है? नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सबसे उपयोगी होती है? तो बच्चों आप लोगों को बताएं, काली मिट्टी में का से याद रखना, का मतलब कपास, ठीक है। कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी होती है बच्चों काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है। बात करते हैं तीसरा प्रश्न, भारत के कितने भूभाग पर वनों का विस्तार है, कितने प्रतिशत में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तीसरे का उत्तर हो जाएगा बच्चों ए वाला, 33%, 33%। उसके बाद बात करते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदारी, निम्नलिखित में से यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, में से, निम्नलिखित में से तक कौन सा राज्य है जहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेत के लिए बच्चे यहाँ पंजाब में तो होगा नहीं, पंजाब में फ्लैट जमीन रहती है। हरियाणा, यहाँ भी फ्लैट जमीन, फ्लैट मतलब सीधी समतल जमीन। उत्तर भारत के मैदान, अब यहाँ मैदान ही लिखा हुआ है तो मैदान में सीढ़ी तो होगी नहीं। बात आई उत्तराखंड, तो बच्चों जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुछ पहाड़ी एरिया पाए जाते हैं, तो पहाड़ीदार एरिया, पहाड़ी में ढलान होती है बच्चों, तो ढलान होती है मतलब सीढ़ियाँ टाइप की बना करके वहाँ पे खेती की जाती है। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। पांचवा है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय मतलब कि जो ज्वार भाटा से बनती है, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा क्या होती है बेटा? समुद्र से जो लहरें उठती हैं वो ज्वार भाटा प्रोसेस कहलाती है, और उसकी ऊर्जा जो होती है बेटा, ये पुनः पूर्ति इसकी नहीं की जा सकती। तो इसमें आ जाएगा क्या, पुनः पूर्ति होगी मानव द्वारा, तो मानव तो बनाता नहीं है। अजैव मतलब इसमें जीव जंतु शामिल नहीं होते, वो तो ठीक है, मगर यहाँ पे बोला किस प्रकार का संसाधन की बात करी जा रही, तो अजैव नहीं आएगा। अचक्रीय मतलब कि जिसकी चक्र नहीं होता संपन्न, तो चक्रीय नहीं होता ना, ज्वार में केवल ज्वार आता बस है, रिटर्न नहीं होता, इसलिए तो इसमें केवल ऑप्शन होगा ए वाला। फिर छठवा है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, किस प्राकृतिक संसाधन का? तो यहाँ पे देखो, पवन ऊर्जा तो हवा तो पर्याप्त है, फिर जल ऊर्जा, जल भी पर्याप्त है, सौर ऊर्जा, सूर्य भी लगभग बहुत ऊर्जा दे रहा है, पर जो पहला वाला ऑप्शन है खनिज तेल, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये जो हो जाएगा इसका, ये वाला ए वाला उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लें, लिखा हुआ है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम था बच्चों ब्रुंडलैंड कमीशन इसका नाम था। ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ, जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ पे मृदा पाई जाती है। मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में तो काली मिट्टी पाई जाती, कर्नाटक में पीली लैटराइट मिट्टी मिल जाती, आंध्र प्रदेश साइड भी यही पीली लाल मिट्टी मिल जाती है, मगर राजस्थान में मरुस्थल की मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी पाई जाती। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सी वाला। आप चाहें तो यहाँ से अपने उत्तर अब मिला सकते हैं, ये पूरे लिखे हुए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसको दोबारा, मतलब इसको बनाया जा सकता नहीं है, ठीक है, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकते। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती, उस भूमि को उत्खात कहते हैं। इसके बाद बारी आती है तीसरे की, काली मृदा कौन सी मृदा भी कहते हैं? तो काली को बेटा रेगर एक नाम होता है, रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर चौथा है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती की जाती है? यहाँ पर संचित की जगह सिंचित होगा, सिंचाई वाली भूमि है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है गाइडों वगैरह में। तो सिंचित मतलब कितने, 54%, इसका उत्तर क्या जाएगा, 54%, 54% हिस्से में खेती की हो सकती है। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र
खालिस्तान है क्या है, तो वो है बच्चों मैदान है, ठीक है, पूरी देश की बात कर रहे हैं। तो ये लिखे हैं, इसके उत्तर आप देख सकते हैं। बात आई बच्चों सही जोड़ी की, तो सही जोड़ी यहाँ पर सामने ही दिया हुआ है। पहले का उत्तर है सी आपके लिए भारत, दूसरा है विकसित देश, तो विकसित देश का हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका एक विकसित देश है। दो प्रकार के मतलब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विकसित और विकासशील, और तीसरे होते हैं अविकसित, ठीक है। तो यहाँ पे विकसित की बात है तो वो है अमेरिका। तीसरा है लद्दाख, तो लद्दाख कहाँ पर, लद्दाख में क्या होती है, ये आपके ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो ये सी मरुस्थल में आ जाएगा। राजस्थान, राजस्थान में तो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, और लावा के प्रवाह से निर्मित क्या बनता है, डेक्कन ट्रेप, ये डेक्कन ट्रेप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डेक्कन ट्रेप भी बोला जाता है। फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की बात आई, तो देखें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लें आप लोग, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लें आप लोग। पहला है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो ये लिखा है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर देख लें, ये पूरे उत्तर लिखे हुए हैं, आप इनको देख लें और तैयार कर लें, ठीक है। आप इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा खींचने की आवश्यकता भी नहीं है। साथ ही बच्चों यहाँ पे आप सत्य सत्य भी देख लीजिएगा, ये भी यहाँ पे है आपके सामने। इसमें क्या लिखा है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो ये आप देख लीजिएगा, पूरे के पूरे सत्य सत्य है। यहाँ पाँचवें नंबर प्रश्न, इसको भी आपके सामने मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, तो आप इनको स्क्रीनशॉट आप ले लें और तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर की, तो बच्चे जो प्रश्नोत्तर हैं इसमें आप देखें, ये आपका जो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है कौन से है, वो मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय, जिसको मतलब बार बार यूज किया जा सकता है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मतलब जो कि जल को ओढ़ी हुई रहती है। अब जल को ओढ़ी हुई रहती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, संपूर्ण उत्तरी मैदान, भारत में जो उत्तर वाला एरिया है जहाँ पे हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी है ये, ठीक है। तो यह मृदाएं हिमालय से तीन महत्वपूर्ण नदी, कौन कौन सी तीन नदी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। निक्षेप मतलब जो अवशेष लेकर के आती हैं बाहर करके, उससे बनती है। तो कौन सी है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। पहले प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, संसाधनों के अतिदोहन, मतलब कि जैसे डीजल, पेट्रोल, या जो हम किसी भी प्रकार का कोयला है, खनिज संसाधन है, या फिर हम अपने वन संसाधन की बात ही क्यों ना कर लें, जंगल बनने में लाखों, मतलब खनिज संसाधन के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जंगल बनने में भी फिर भी नहीं तो दो चार दस साल बीस साल में जंगल तैयार हो पाता है, मगर व्यक्ति काट देते जंगल को, नष्ट कर देते हैं। तो बच्चों संसाधनों के अतिदोहन से कोई समस्या, पहला तो क्या पॉइंट है आपका, संसाधन, ये लाइन लिख देना आप, फिर आप लिखेंगे संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं आज के समय में, जिससे समाज के दो वर्गों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है, कुछ लोग ही इसका यूज़ कर पा रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, ठीक है, पूरी दुनिया की जो परिस्थिति मतलब वायुमंडल है वो गड़बड़ा गया है। तीसरा प्रश्न देखें आप, मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय, तो पहला आप लिख देना ये वृक्षारोपण करना, दूसरा लिख देना वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना, दो पॉइंट ये हो गए। फिर इसके बाद तीसरा है पशुचारण को रोकना, मतलब पशुचारण, देखिए पशुचारण आवश्यक है, यहाँ पे एक्चुअल में आपको लिखना था अति पशुचारण, अति मतलब कि हद से ज़्यादा पशुओं को चरवाना। अब उगने तो कम से कम जब उग जाएगी तब आप उसको खा सकते हैं पशु लोग, तो ज़्यादा मात्रा में यदि पशुचारण कर दिया जाता है तो उससे भी मृदा अपरदन जो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब घास ही उखड़ गई तो मिट्टी फिर कटाव करने लगती है। सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहित करना, पहाड़ी एरियों में सीढ़ीदार खेती बना करके वहाँ पर खेती की जाना, कीटनाशकों रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, ये कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है, ठीक है, तो एजेंडा 21 क्या है, इसका उत्तर ये लिखा हुआ है, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका मूल उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, मतलब कि भूमंडल के सतत पोषणीय विकास, मतलब जो हमारा जो भूमंडल है, धरती माता है जो,
उसको हर प्रकार से जंगल लगाना, मतलब वनों की वनों को कटने से रोकना, मृदा संरक्षण करना, इस सब के संदर्भ में ये पूरा एजेंडा 21 बनाया गया था। कहाँ बना था जी? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। ओके, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों बाकी जो प्रश्न है वो तो ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे बस। अब आप देख लें, सातवां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, मरुस्थली मृदा की कोई दो विशेषताएं। तो मरुस्थली मृदा क्या होती हैं? ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवण से युक्त होती है, ठीक है। ये तो ये लिख लीजिएगा, रेतीली होती है। दूसरा, शुष्क जलवायु, मतलब सूखी जलवायु। सूखी जलवायु क्या? जहाँ पर नमी मौजूद ना हो। नमी मतलब क्या होता? बरसात के मौसम में आप लोग देखते होंगे वायुमंडल में थोड़ी सी नमी रहती, मतलब गीलापन रहता है, पर यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती? सूखी। ये लिखा है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान, उच्च तापमान मतलब ज़्यादा गर्मी के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ये होती है दो विशेषताएँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद बारी आती है बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, बांगर एवं खादर भूमि में डिफरेंस। इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने इस प्रश्न के उत्तर को ट्रिक के माध्यम से समझाया है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप वहाँ जाइए, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस अध्याय से ये प्रश्न का उत्तर पूछे जाने की, ये प्रश्न पूछे जाने के बहुत 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 ज़्यादा चांस है, क्योंकि यही एकमात्र इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उसको आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बांगर और खादर भूमि। बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है। आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद 11वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण। मृदा निम्नीकरण के क्या कारण हैं? दो कारण, देखिए, पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, अधिक सिंचाई वाली भूमि। दूसरा है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, हद से ज़्यादा पशु को चराना। देखो ये मिल गया ना, अति पशुचारण, मैंने बोला था ना कि वहाँ पे अति आएगा, अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो ये दो पॉइंट कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पे ये 12वां प्रश्न भी कर लीजिएगा, दो नंबर में पूछा जा सकता। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने हैं। तो कौन कौन से संसाधन होते हैं बच्चों? ये होते हैं निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पे बच्चों हमारा अध्याय एक फिनिश हो गया। परीक्षा अध्ययन से कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, तीन राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो तीन राज्यों के नाम कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पठार में पाई जाती है, और काली मृदा किसके लिए? कपास की खेती के लिए सबसे अधिक मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी नाम दिया गया है, याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद ये जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं? जैविक संसाधन क्या होते हैं? जिसमें जीवन मिलता है, ये देखिए, जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है, प्राणी हो गए, जीव जंतु, मछली हो गई और पशु हो गए, ये सब जैविक संसाधन होते हैं। और अजैविक संसाधन क्या होते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, जैसे कि चट्टान और धातु, ये हो गए, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, तो इसका एक फॉर्मूला हम आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। ज का ला लेम छा, जकाला लेम छा, देखिए क्या है ये? जा से जलोढ़ मिट्टी, का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, ले से लेटराइट मिट्टी, मा से मरुस्थली मिट्टी, और छा से एक्चुअल में पर्वतीय मिट्टी को बच्चों क्षारीय मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जकाला लेमछा, या फिर आप जकाला लेम कर लेना, जैसा भी आपको उचित लगे, ये कर लीजिएगा 5वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, संसाधन से क्या आशय है? तो संसाधन, संसाधन दो वर्डों से मिलकर बना है, सन मतलब हमारी ज़रूरत के, और साधन मतलब वस्तुएँ। तो ये है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम संसाधन कहते हैं।
ठीक है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक प्रकार का संसाधन है। संसाधन की डेफिनेशन देख लीजिएगा। 11वां देख लीजिएगा, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा संरक्षण क्या होता है, मिट्टी के अपरदन या क्षय को, मतलब मिट्टी के नष्ट होने को बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमानों पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मिट्टी को सुरक्षा देना ही मृदा संरक्षण होता है। अब यहाँ बांगर क्या है, तो जरूरत नहीं है, बांगर खादर में अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। संसाधन से क्या आशय है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ऊपर एक प्रश्न था, देख सकते हैं आप ये 9वें नंबर पे संसाधन अब यहाँ वापस आ गया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता, मतलब नया किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा और वन्य जीवन, ठीक है, ये हो गए। फिर अनवीकरणीय क्या होते हैं, एक बार यूज करो और उसके बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। खनिज और जीवाश्म, जैसे पेट्रोल जमीन से निकलता है, उसको एक बार यूज कर लिए और पेट्रोल खत्म, दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता उसको, पेट्रोल को एक बार में ही पूरा नष्ट हो जाता है वो। खनिज संसाधन भी वही है, जमीन से खोद खोद के धातु निकाल के उससे मनुष्य खत्म करते जा रहा है, और दोबारा तो बनने में कई वर्षों की प्रक्रिया के बाद बनते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एक्चुअल में प्रश्न बैंक में नहीं दिया हुआ है ये प्रश्न, मगर फिर भी पहले पूछा जाता था, विगत कई वर्षों पूछा गया है, तो देख लीजिएगा। मगर मेरी सलाह है आपको कि इस प्रश्न को आप 10 में से 3 नंबर देके तैयार करें, मतलब चांसेस ना के बराबर, मगर फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं ज़्यादा समझाऊँ करें इसको। इसके बाद बच्चों परिच्छेदन में एक प्रश्न और है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, ये लिखा हुआ है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। तो देखो एक अंतर तो क्या है, जलोढ़ मिट्टी का रंग होता भूरा, इसका होगा क्या, काला। फिर जल को जो ओढ़ी रहती है, तो जल को ओढ़ी मतलब नदी के द्वारा लाई गई होगी, और काली है मतलब जली हुई है, तो जलती कहाँ है, ज्वालामुखी में, तो ये ज्वालामुखी से बनी है काली मिट्टी। फिर जलोढ़ मिट्टी देश के कितने 40% भाग में, और ये कितने हैं 18.5% भाग में। फिर इसमें ह्यूमस और चूने का अंश मिलता है, और इसमें लोहा, एल्युमिनियम, इसकी मैग्मा की प्रधानता पाई जाती है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। ये देख लीजिए बांगर और खादर में अंतर, यहाँ पे भी आया है ये प्रश्न, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका उत्तर मैंने फिर से बताऊँ, मैंने वीडियो बनाया है एक, उसको आप जाके देख लीजिएगा, ये आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये प्रश्न है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, मतलब भूमि जो नष्ट हो रही है उसके प्रमुख कारण क्या है, तो वनों का नाश। देखें सोशल साइंस में आप लोगों को मैं एक तरीका और बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा, पेपर के पहले आप लोगों को बता दूंगा उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। देखें मृदा नष्ट क्यों हो रही है, पहले जंगल नष्ट हो रहा है इसलिए मृदा नष्ट हो रही है, मतलब वनों का नाश, तो ये पूरा लिख लीजिएगा। कृषि के लिए भूमि का विस्तार, जलाने व इमारती लकड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वनों का विनाश हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, भूमि का कटाव बढ़ गया है। फिर अत्यधिक पशुचारण, बहुत ज़्यादा जानवरों को चराया जा रहा है, उससे भी वन मृदा अपरदन हो रहा है। झूमिंग कृषि, पहले के समय में क्या होता था और आज भी कई एरिया में बच्चों आदिवासी क्या करते हैं, बहुत बड़े भाग में जंगलों को पूरा काट देते, वहाँ की ज़मीन को फ्लैट करते हैं, पूरी समतल करते, फिर वहाँ खेती करते हैं। उनका ये चलता है कि एक एरिया में वो कुछ दिन रहते हैं, और जितने दिन वहाँ रह गए, 1 साल 2 साल 6 महीने, तो उस एरिया को पूरा साफ करके वहाँ के जंगल काट देते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, और उस खेती को क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि। तो ऐसे करके क्या करते हैं वो मृदा को नष्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों वहाँ की मृदा कैसे नष्ट हो रही, वहाँ के जंगल काट दिए, तो वृक्ष कट गए, तो मृदा अपरदन तो होगा ही। फिर पवन अपरदन मतलब क्या होता है, अगर ज़मीन से क्या हो जाए, घास फूस ये सब हट जाए, तो मिट्टी कैसी भुरभुरी हो जाती है, और हवा के माध्यम से भी वो कटाव होता है उसका, ठीक है ये। फिर भारी वर्षा, ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती, बाढ़ आने से क्या होता है, तो भी मिट्टी बह जाती है। तो ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। एजेंडा 21 ये लिखा हुआ है, एजेंडा 21, तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप चाहें तो ये वाला उत्तर भी आप
देख सकते हैं। फिर एक प्रश्न और है, ये संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, मतलब संसाधनों को बचाना क्यों आवश्यक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्यों है जरूरी भैया? जरूरी है ना, अधिक से अधिक मात्रा में अगर हम पेट्रोल खनिज तेल इसका उपयोग कर रहे हैं, खनिज संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लो हम पूरी दुनिया का सोना जो है या लोहा जो है पूरी दुनिया का खरीद के आज हम पूरा खोद के रख लें अपने पास में, बाय द वे कोई एक भारत अकेला ऐसा देश हो जो पूरी दुनिया का सोना खरीद के अपने पास में रख ले, और फिर क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उन्हें कहां से मिलेगा, ऐसे में क्या कंडीशन आएगी बच्चों, पूरे जो संसाधन है वो नष्ट हो जाएंगे और फिर आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो इस प्रकार से संसाधन का नियोजन आवश्यक है, ये देख लीजिएगा। ये भी प्रश्न कोई ठीक ठाक है, प्रश्न भी आप देख सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है व्यक्तिगत जो खुद का संसाधन हो, फिर राष्ट्रीय जो राष्ट्र का हो, और अंतर्राष्ट्रीय, और इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको अभी मैंने जो प्रश्न बैंक दी थी उस प्रश्न बैंक में आप देख सकते हैं, ये देखिए आप इस प्रश्न बैंक में भी था, इसमें विभिन्न प्रकार लिखिए, ये प्रश्न बैंक में इतना भी बस करके दे दिया था, आप चाहो तो इसका उत्तर बड़े रूप में इस तरीके से पूरा आप लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म हुआ अध्याय एक का, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक दे दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, गुड बाय।